नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टोटल मिलाकर के 1092 पोजीशन के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। डिप्लोमा और डिग्री बिना किसी एक्सपीरियंस के आवेदन कर पाएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों में से किसी में भी डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, आवेदन करने से पहले सारी चीजें अच्छी तरीके से जान लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 17 जनवरी 2022 यानी कि आज की डेट को ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हो या फिर आपको हिंदी मीडियम के अंदर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको रेगुलर एक टेस्ट मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट सिलेबस में आपको वहां पे करवाने वाला हूं। डेली का आपको एक टेस्ट वहां पे मिलने वाला है। हैंड रिटन नोट्स जिनके अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीटली हिंदी मीडियम के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्टोर सेक्शन के अंदर जाकर के ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। जैसे कि पहले अपन बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, इसके अंदर केवल सिविल के लिए वैकेंसी है। सिविल डिग्री के लिए 422 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 66 वैकेंसी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचईडी, यहाँ पे सिविल के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए वैकेंसी है। सिविल डिग्री के लिए 204 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए 101 वैकेंसी है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 37 वैकेंसी है और डिप्लोमा के लिए 26 वैकेंसी है। स्वायत्त शासन विभाग के अंदर आए तो सिविल डिग्री के लिए 145 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा के लिए यहां पे 36 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री के लिए 44 वैकेंसी है और डिप्लोमा के लिए 11 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 1092 वैकेंसी यहां पे इन्होंने बता रखी है। आवेदन किस हिसाब से करना होगा दोस्तों? ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, एसएसओ आईडी आपको बनानी होगी। एसएसओ आईडी के थ्रू आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हो, ई मित्र के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हो। बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग शुल्क है। सामान्य वर्ग या फिर क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनसे ₹450 लिए जाएंगे। उसके बाद में ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है नॉन क्रिमिनल श्रेणी के, उनसे ₹350 चार्ज लिया जाएगा। एससी एसटी है उनसे ₹250 चार्ज लिया जाएगा। या फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो लेकिन आपके परिवार की वार्षिक इनकम 2,50,000 से कम है तो भी आपको ₹250 एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको पे करना। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी बता रखे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बता रखे हैं किस किस कैटेगरी के लिए, यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये सारी चीजें आप देख सकती हो। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उधर का जो इलाका है, शेड्यूल इलाका है, वहीं के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अदर जो जिले वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहीं पर आवेदन करना होगा, अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपको आवेदन नहीं करना है, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे यहां पे दे रखा है खेल से संबंधित आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी यहां पे वैकेंसी रखी गई है, तो ये चीज भी आप ध्यान से पढ़ लेना। वेतन में अनुमान के बारे में आपको बताऊं तो पे मैट्रिक लेवल आपको 10 का वेतन मिलेगा। प्रारंभ में आपको स्टार्टिंग में 33,800 की आपकी बेसिक पे मिलेगी, 40,000 से ज्यादा आपकी स्टार्टिंग पेमेंट आपकी रहने वाली है। बात कर लेते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आपको डायरेक्ट बता देता हूं। डिग्री वाली जो वैकेंसी है संबंधित ब्रांच के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है उसके अंदर संबंधित ब्रांच के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए डिप्लोमा और डिग्री तीनों दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बता रखा है, तो आयु की जो एज की जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2023 को रखी गई है। मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन एससी एसटी को अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे 40 वर्ष से ज्यादा के बच्चे वो भी आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क के बारे में, ऑनलाइन आवेदन करने की जो भरने की डेट है उसके बारे में बात करें दोस्तों, 21 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 19 फरवरी तक आपको आप आवेदन कर सकते हो। किस हिसाब से आवेदन करना, 21 जनवरी को जैसे ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको आवेदन करना है, तो उसको आप जरूर देख लेना, उसके बाद में आपको आवेदन करना होगा। परीक्षा का माह और दिनांक के बारे में यहां पे संभावित डेट बता रखी है दोस्तों, मई के महीने में 2022 को आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर राजस्थान के अंदर रहने वाले, राजस्थान से बाहर इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहने के चांसेस काफी कम है। ऑनलाइन आवेदन किस हिसाब से करना होगा, एसएसओ आईडी के अंदर जाकर के आपको आवेदन
करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जो अप्लाई करने के बाद में जो लास्ट डेट होगी उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपके अप्लाई करते टाइम फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है तो ₹300 शुल्क दे करके आप उसके अंदर एडिट भी कर सकते हो। कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दिया, जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वीडियो लेके आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसको भी देख लेना, उसके बाद में आवेदन कर देना। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डेली का आपको एक टेस्ट मिलेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों को, और हैंड रिटन हिंदी मीडियम के नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट सिलेबस में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आई होप कि आप वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।